हुजूर अब वो देखना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो ये जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, हम हर नमाज में दुआ करते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। यार मदीना देखने की बात करते हैं, काश मदीने वाले की ज़ियारत हो। और मैं आपको बताऊं ये हुजूर के करम से कोई बईद नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ये महफिल हुजूर की आप सुन के अपने घर जाएं, बिस्तर पे लेटे आपको नींद आए और हुजूर का करम, ये हुजूर के करम से बईद नहीं है, बस हुजूर के करम की बात मैं आप तक पहुंचाता हूं, दिल से हुजूर की बारगाह में पेश करें ये अर्ज़। हुजूर अब वो देखना चाहता को देखना चाहता हूं। कहीं रोते रोते ना जाए आंखें, कहीं रुक न जाए ये बेचैन सा जाए ये बेचैन सांसे, उठा दीजिए अपने चेहरे से पर्दा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह नगमात, शायर खसूसी जनाब, शायर इंटरनेशनल हसानुल हिंद, तोतई नगमे तरन्नुम, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला वाहिदी। हुजूर अब को देखना चाहता हूं। आपको सुनाने जा रहा हूँ, मुलादा करें। अभी कुछ दिनों पहले 18 या 19 दिन हुए, मेरे एक उस्ताद मोहतरम और मुल्क की बहुत अजीम शख्सियत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया गुलजारे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद निजामुद्दीन साहब अल्लाह नूरी उस्ताद दारुल फैज़ुल बराऊ शरीफ और उनके साहबजादे मौलाना अनवर रजा साहब एक हादसे में इंतकाल हो गए, एक्सीडेंट हुआ, खबर वायरल हुई, उलमा तक आप सब तक पहुंची होगी। वो एक बात कहते थे जो शेर में पढ़ने जा रहा हूं, एक बार मैंने ये शेर उनके सामने पढ़ा तो उन्होंने एक बात कही दौरान तकरीर, इस शेर के हवाले से वो बात आज मुझे याद आ रही है और मैं दुआ करता हूं परवरदिगार मेरे उस्ताद हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद निजामुद्दीन और उनके साहबजादे को परवरदिगार उनकी मग
मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनका फैजान तादेर कायम है। बहुत नेक आदमी थे, बहुत नेक इंसान थे और पता नहीं कितनी तलामजा उन्होंने पैदा किए। अल्लाह ताला उनकी वैसे ही इंशाल्लाह मगफरत फरमाएगा और जनाजे ही फैसला करते हैं कि आदमी कैसा है। हजारों की भीड़ थी माशाल्लाह। हुजूर की आमद जो कब्र में होती है, हमारा ईमान है, हम सुन्नी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम कहते हैं हुजूर हमारी शफाअत करेंगे और हमारी कब्र में भी हुजूर तशरीफ लाएंगे। ईमान है, ये अकीदा है हमारा। वो बयान करते हैं, मुफ्ती साहब कहते हैं कि दो लोग झगड़ा कर रहे थे और एक आदमी ये कह रहा था कि हुजूर शफात नहीं करेंगे, हुजूर कब्र में नहीं आएंगे, और दूसरा बंदा ये कह रहा था कि हुजूर शफात भी करेंगे और हुजूर हमारी कब्र में भी तशरीफ लाएंगे। एक साहिब दिल का गुजर हुआ, पूछा भाई झगड़ा किस बात का है, तो बोले कि वो झगड़ा ये है, मैं कह रहा हूँ कि हुजूर शफात करेंगे और मैं हमारी कब्र में भी आएंगे। ये बंदा कह रहा है कि ना हुजूर शफात करेंगे ना कब्र में आएंगे। तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह वाले थे, उन्होंने फरमाया कि बात दोनों की सही है। क्या फरमाया? बात दोनों की सही है। जबकि जब कोई झगड़ा होता है तो बात दोनों की सही हो ही नहीं सकती। बात दोनों की सही हो तो झगड़ा होता ही नहीं। बात दोनों की सही हो तो झगड़ा नहीं होता। अब झगड़ा इस बात से था, तो उन्होंने कहा बात दोनों की सही है। कहा कैसे सही है? कहा सही इस तरह के जो कह रहा है कि हुजूर कब्र में नहीं आएंगे उसकी कब्र में नहीं आएंगे, जो कह रहा है कि हुजूर कब्र में आएंगे उसकी कब्र में इंशाल्लाह जरूर आएंगे। बात तो दोनों की सही है। अब मैं एक शेर इस हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं। जरा एक बार हुजूर को पुकार लें, हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। हुजूर आपको देखना चाहता हूं, सरे हशर तशरी पहले मैं अपना जनाजा हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह नगमात, शायर खुसूसी जनाब, शायर खुशुलहान, शायर इंटरनेशनल, हसानुल हिंद, हसानुल हिंद हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहेब किबला। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, सरे हशर तशरी पहले मैं अपना जनाजा हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता।